हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा पर दी हार्दिक बधाई, किया ईद उल अजहा त्योहार को शांति व आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च, अधिकाधिक पुलिस और पीएसी के जवान रहेंगे मौजूद ताकि सावन के अंतिम सोमवार और बकरीद के पर्व पर किसी भी प्रकार की न होने पाए अनहोनी। सावन का आखिरी सोमवार और बकरीद को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने किया रूट डाइवर्जन, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे भारी वाहन, कुछ रूटों पर दुपहिया वाहन भी रहेंगे प्रतिबंधित। टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। त्योहारों के मद्देनजर एसपी व सीओ कैंट के नेतृत्व में पुलिस ने पीवीआर सिनेमा व पेंटालून मॉल की सघन चेकिंग, नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति। कोतवाली पुलिस ने किया 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार, चोरी की बाइक व मोबाइल सेट बरामद, सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। ईद उल अजहा बकरीद पर बकरों के बाजार में रही रौनक, जमकर हुई बकरों की खरीदारी, 5,000 से लेकर 45,000 तक के बिके बकरे। और कैंसर रोग से मानव जीवन पर प्रभाव एवं नियंत्रण विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, विशेषज्ञों ने कहा अब कैंसर रोग पर पाई जा सकती है विजय।